प्लीज टेल मी अबाउट व्हेन विल यूनिवर्सिटी ओपन। माशाल्लाह बहुत सी बातें प्यारी करते हो, बस साला वर्ड का यूज कम कर दो जब दोस्तों से बात करते हो। Do you know youth club Ali E from Pakistan? Did you ever done a mistake of smoking sutta, I mean cigarette, or drinking alcohol in your teenage? क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो घर में बैठकर व्लॉग्स बनाता है, एक लालटेन जैसी रोशनी की एलईडी लाइट के नीचे बैठकर व्लॉग्स बनाता है, मगर जब उसे Q&A रिकॉर्ड करना पड़ता है तो वो बाहर निकलता है, घर के बाहर, वो भी बारिश की हालत में। वो अनोखा इंसान कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं उस Q&A को जो बहुत दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जिसके लिए पूरी दुनिया में से सिर्फ 200-300 लोग इंतजार कर रहे थे। कर ही लेते हैं। आइए भाई साहब उतर जाइए, Q&A स्टार्ट करेंगे। आज बड़े दिनों बाद हमसे भी कोई सवाल वाल पूछ लेता है गलती से। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द Q&A। क्वेश्चंस को जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया हूं मैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा, फिर बाद में बड़े बड़े इन डेप्थ क्वेश्चंस को टच करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सौरभ कुमार भाई की तरफ से। माई क्वेश्चन इज हाउ आर यू ब्रो। भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मस्त एकदम, सब खतरनाक, बस सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, मेरा टारगेट जो है पूरा कराओ 2000 सब्सक्राइबर्स। खान शाकिर 20COB206 से पूरा रोल नंबर है। वॉन्ट टू मीट यू इन AMU आफ्टर लॉकडाउन। तो इंशाल्लाह जैसे AMU खुल जाता है आ जाएंगे भाई, फिर मिल लेंगे। अब्दुल हन्नान मिर्ज़ा, BA के बाद क्या करेंगे आप? BA के बाद भाई मुझे MA करना है, मास्टर्स करना है। अब वो कोई मेरा मतलब फिक्स्ड कोर्स नहीं है, मैं MA इन इस्लामिक स्टडीज़ कर सकता हूँ, MA इन इंग्लिश लिटरेचर कर सकता हूँ, MA इन ELT कर सकता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, या फिर BAD कर लूँगा। मतलब चारों स्ट्रीम में से कोई एक जो समझ में है, जिसमें एडमिशन हो गया वो ट्राई करूँगा। आतिफ अली खान, ये मेरा क्लासमेट आतिफ अली खान। हिलाल बुला रहा है रूम पे, कब आओगे? मैं हिलाल के घर की आ ही नहीं हूँ कि झाड़ू पोछा कटका करने जाऊँगा। अभी कल ही बात हुई है, वो तो मुझे बुला नहीं रहा घर पे, झूठ बोलते हो। टाइमलेस पूछते हैं, प्लीज टेल मी अबाउट व्हेन विल यूनिवर्सिटी ओपन। किसी को भी नहीं पता भाई, किसी को भी नहीं पता। वैसे तो फिक्स जहाँ तक है लगभग ज़्यादा चांसेस जो है 90% के अबाव वो कि अगले साल खुल जाएगी, बट अभी अगर खुलने की बात करें तो अगले 3-4 महीने बाद खुल जाए, जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन तीनों महीनों में से खुल सकती है। जाहिर खान पूछते हैं, भाई AMU में BA एडमिशन इंग्लिश लिटरेचर में इंटरव्यू होता है क्या? अगर आप इंटरव्यू मतलब आप काउंसलिंग का बात करो, हाँ काउंसलिंग होता है, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है अगर आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, या फिर चांस मेमो लिस्ट में मतलब कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो काउंसलिंग होता है। फिर काउंसलिंग के हिसाब से तय होता है आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, उसमें आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। फिर इदा अलेक्जेंडर पूछते हैं, अलेक्जेंडर क्या क्लास 9th में फोन रखना अलाउ है AMU में? तो मेरे हिसाब से नहीं अलाउड है, और आप रखिएगा भी नहीं, वो गलत है। तुषार झा पूछते हैं, प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन AMU फॉर इंडियन स्टूडेंट और फॉरन स्टूडेंट के लिए लगभग सेम ही है प्रोसीजर। पहले आपको AMU controller exams.com पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक गाइड टू एडमिशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सब चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा, कुछ प्रोसीजर इधर उधर चेंज होते रहेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, उससे बेहतर आप उससे पढ़ लीजिए। और वैसे मोटा मोटा प्रोसीजर ये है कि आप जाके AMU controller exams.com पर जहां आपको जो कोर्स सेलेक्ट करना है उसके आप फॉर्म्स देख लीजिए, आप फिल कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, एंट्रेंस जब आएगा, एंट्रेंस की जो लोकेशन होती है वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए, लखनऊ में आता है, कानपुर में आता है, ऐसे ऐसे लोकेशन रहते हैं, आप चूज़ कर लीजिए जो आपके अगल बगल हो, आपके एरिया के आसपास सेंटर, वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर एग्जाम दे लीजिए, फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आप जाकर एडमिशन ले लीजिए AMU में। वो थोड़ा प्रोसेस लेंदी है एडमिशन लेने का AMU में, कि वहाँ बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, कैंपस बहुत बड़ा, इधर से उधर जाना पड़ता है सिग्नेचर वगैरह के लिए, बट हो जाएगा 2-3 दिन में फिनिश। और छोटा क्वेश्चन किसका है भाई, मोहम्मद नुमान पूछते हैं, आपने एनीथिंग बोला है? माई क्वेश्चन इज दैट, डू यू वॉन्ट टू बी ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इफ नो देन वॉट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर? माजरत चाहते हैं बट आपने ही तो एनीथिंग बोला है। भाई इसमें कोई माजरत वाला क्वेश्चन है भी नहीं। नहीं भाई मैं प्रोफेसर बन ही नहीं पाऊंगा, बनना चाहता हूं तो अलग बात है, मैं बन ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर प्रोफेसर बनने का मुफ्त में मौका मिला तो ज़रूर बन जाएंगे, मगर मेहनत करके प्रोफेसर तो मैं नहीं बन सकता। महा एंटरटेनमेंट पूछते हैं, मैं सरफराज, इज इट करेक्ट दैट इस्लाम विल हैव 72 फिरका? अरे ये भाई फतवे मांगने वाले क्वेश्चन मत मुझसे करो, ये वैसे मेरे रूममेट हैं, मैं जैसे अलीगढ़ में आऊँगा वहाँ पे जवाब दे दूंगा, आपको मिल जाएगा आपको सारा जवाब, मगर यहाँ ऑनलाइन फतवा काउंसलिंग खोल के नहीं बैठा हूँ मैं, फतवा नहीं दे सकता। राहिल शाह पूछते नहीं है, सजेशन दे रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सी बातें प्यारी करते हो, बस साला वर्ड का यूज़ कम कर दो जब दोस्तों से बात करते हो। भाई मैं खुद साला वर्ड से बहुत परेशान हो चुका हूँ। असल में 2 साल पहले लगभग मैं सारी माँ बहन की गालियाँ देने वाला इंसान में से था, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही था, हम लोग बात करते करते मजाक में भी ऐसी गालियाँ देते थे। प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया इस्लाम को, फिर मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़ना शुरू किया, मोटी मोटी गालियाँ छोड़ गई, साला बे ये सब रह गया, वो भी इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं छोड़ रहा हूँ और वो छूट जाएगा इंशाल्लाह। ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, मुझे पसंद है, ये लोग पॉइंट करें बताएं तो अच्छी बात है, एक इंसान के कैरेक्टर जो है इसे बदलते हैं, अच्छे बनते हैं। छोटा क्वेश्चन किधर को, अरे बारिश रुक गई क्या, क्या बोलते हैं भीड़ू। छोटे छोटे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मंतशा सैयद की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई वांट टू आस्क इफ देयर विल बी एनी चेंज इन योर करियर एंड लाइफ इफ दिस पेंडेमिक हैवंट अकर्ड, एंड सेकंडली व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हेन दिस एंड्स, कीप ग्रोइंग। बेड़ा गर्क हो गया इस पेंडेमिक की वजह से मेरा भाई। पेंडेमिक स्टार्ट होने से पहले मैं नमाज जो है 5 वक्त की जो है वक्त पर पढ़ता था मस्जिद में जाकर, सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था,
और भी जो काम है, मतलब बाहर निकलना, बाहर एक्टिव रहता था, जब से पैंडमिक आया है सबके साथ ये चीज़ हुआ है कि इंसान लेजी हो गया। मगर एक पॉजिटिव चीज़ भी थी कि इसमें वक्त बहुत मिला घर में रहने का, तो इसके वजह से मैंने बहुत सारी थियोलॉजिकल बुक, बहुत सारी एकेडेमिया की बुक्स मैंने ख़त्म की इसमें। ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट था इसका, बट कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, मुझे लगता है ये बेड़ा गर्क ही हुआ है पैंडमिक की वजह से। एंड सेकेंडली, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हेन दिस एंड्स? सबसे पहला काम स्टार्ट करेगा एक्सप्लोर करना, व्लॉगिंग करने के लिए मैं बाहर निकलना शुरू करूंगा इंशाल्लाह। दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर सैम 07, व्हेन यू स्टार्टेड योर यूट्यूब? अपन ने स्टार्ट कब किया था रे यूट्यूब? 2016 नवंबर 2016 में मैंने स्टार्ट किया था। फिर विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज़ फॉर एडिटिंग? मैं कोई अनोखा सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करता हूँ, मेरे आईफोन का एक सॉफ्टवेयर है आई मूवी करके, ये सारे आईफोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। बेसिक सॉफ्टवेयर है, बहुत आसान है, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी वीडियोस उसमें एडिट हो जाती हैं। व्हेन यू कंप्लीटेड योर 12th? 2018 में मैंने 12th कंप्लीट किया था। हाउ मेनी वॉच टाइम हैव यू कंप्लीटेड? अभी मेरे वॉच टाइम बहुत कम है, 2300 के करीब ही हुए हैं बस, 4000 आवर का वॉच टाइम पूरा ही नहीं हो रहा है। अरे भाई आप लोग देख रहे हो, कराओ यार कराओ, 4 साल से वीडियोज अपन बना रहा है और 2300 वॉच टाइम, हालांकि ये चैनल तो दूसरा वाला है, खैर फिर भी अभी तक 4000 वॉच टाइम हो जाना चाहिए मगर हुए नहीं। व्हाट इज योर फुल नेम? मेरा पूरा नाम है मोहम्मद आकिब नदीम, इसमें खान कहीं पर भी नहीं है, खान मेरा स्टेज नेम था, मैं पहला चैनल जब बनाया था तो वहां से मैंने स्टेज नेम की तरह रखा हुआ था। व्हाट इज योर फेवरेट सेलिब्रिटी? व्हाट इज योर फेवरेट सेलिब्रिटी? नहीं, ये कुछ अनोखा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट सेलिब्रिटी? पहली बात तो मेरा अभी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी नहीं है, एंड एक्ट्रेस आल्सो नहीं है, कोई नहीं है, पहले थी, पहले का नाम बताने कोई फायदा नहीं है, अभी कोई नहीं है। अब जहीरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करती है जहीरा। नॉट अ क्वेश्चन बट अकॉर्डिंग टू यू सजेस्ट मी समथिंग टू चूज इन आर्ट्स फॉर अ गुड करियर एंड आफ्टर 12th बिकॉज आई एम लिटिल कंफ्यूज। इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं आपको राय दे ही नहीं सकता इस मामले में, क्योंकि ये कोई मतलब जो बैलेंस्ड आदमी हो, दीन दुनिया को बैलेंस करके रखा हुआ जो आदमी, उससे सजेशन लेने लायक है, क्योंकि जो पढ़ाई वाला लड़का होगा वो भी सिर्फ आपको पढ़ाई वाली बातें बताएगा, और कोई मौलाना से आप फतवा लेंगे तो सिर्फ रिलीजन की बातें बताएगा, तो ऐसे आदमी से लीजिए जो दोनों तरफ की बात बताए, मतलब दोनों के इंपॉर्टेंस बताए, फिर उसके हिसाब से आप करियर चूज कर लीजिए। मगर एक सजेशन है कि आप जो कोई भी कोर्स करें उसके साथ साथ आप दीन के बारे में पढ़ें, उससे क्या रहेगा, आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं। मतलब लड़कियों को आज लड़कियों का क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता उनके राइट्स क्या, इतने सारे राइट्स हैं मगर वो सब उनसे डिप्राइव्ड रह जाते हैं। दोनों तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करें बट वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। वाई एंड हाउ, बड़ा खतरनाक चैनल का नाम है। यस, आई गोना राइट। सो फर्स्टली थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क टू गिव अस गुड लेसन बिहेवियर। हाँ, चैनल एन खान करके, AN स्पेस फिर KHAN, व्लॉग्स बनाता हूँ, डेली लाइफ व्लॉग्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। भाई थैंक यू मत करो, ये मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ अपना, आप देख लो पसंद करो, दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह। दूसरा, व्हाट्स योर एम? मेरा एम तो यही है कि ईमान बचाकर कब्र में अच्छे से उतर जाऊँ, ऊपर वाला मुझसे राजी हो जाए। हुज इन योर मेंबर? हुज इन योर मेंबर मतलब फैमिली मेंबर की अगर बात कर रहे हैं, मेरे पास अपन के पास सब सारा स्टॉक भरेला है बापू, अपन के पास माँ भी है, अपन के पास भाई भी है, अपन के पास बहन भी है, अब्बू का इंतकाल हो चुका है 2010 में। व्हेन यू वांट टू मैरी? जिसका खुद ही नहीं पता वो काय को बता दे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NS की तरफ से, मेरा जहां तक गालिबन गुमान है ये सिस्टर है। व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू? दो फेवरेट काम है, अब मैं इसमें से वो नहीं कर सकता कि कौन ज्यादा पसंद है कौन कम पसंद है। एक, फजर के बाद जब नमाज पढ़ के आता हूँ फजर के बाद, तो ट्रांसलेशन से कुरान को पढ़ना, मैंने कुरान को ट्रांसलेशन से बहुत बार खत्म किया हुआ है, जितने बार पढ़ता हूँ मुझे नए नए आइडियाज़ मिलते रहते हैं उसमें से, वो बहुत पसंद है मुझे फजर के वक्त जैसे नमाज पढ़ के आता हूँ वो, क्योंकि वो बहुत पीसफुल वक्त होता है। और दूसरा फेवरेट काम है वीडियोज़ को शूट करने के बाद उनको एडिट करना, इसमें मुझे 4-5 घंटे लगातार एडिट करता हूँ, मुझे बोरिंग बिल्कुल भी नहीं महसूस होता, ये मेरा फेवरेट काम है। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर यही है कि इतना जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका कोई फायदा नहीं हो, ऊपर वाला मुझे मतलब मेरे अमाल बर्बाद हो जाए, तो ये सबसे बड़ा मेरा डर है कि आखिरत में क्या होगा। डू यू हैव सिबलिंग्स? हाँ, मैंने बताया 61SA मुस्तबा, ये भी रोल नंबर वाला नाम है। एन खान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बीएड रखने के पीछे का सफर बताइए। बीएड रखने का सफर ऐसा है कि जब मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और दो साल पहले की बात है, तो मैंने धीरे धीरे इस्लामिक चीज़ों को देखना शुरू किया। बीएड का ये था कि मुझे मतलब बहुत लोग बोले थे कि ये सुन्नत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिर्फ सुन्नत है, इसका रखना कोई फ़र्ज़ नहीं है, ये मुझे मतलब सही नहीं लगता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रखते थे तो ये कैसे मतलब एक छोटी चीज़ थोड़ी ना होगी यार, रख रहे हैं तो दैट मीन्स कोई लॉजिकल इसके पीछे चीज़ हो। बाद में जब मैंने रिसर्चेस की और अपने तरफ से देखा तो पता चला मर्दों के लिए बीएड रखना वाजिब है, मतलब एक मर्द और औरत का चेहरा जो है डिस्टिंग्विश होना चाहिए। तो व्हेन यू मेड अप योर माइंड कि बीएड रखनी, वही 2 साल पहले मैंने माइंड बना लिया था कि मुझे बीएड रखनी ही है। मस्त मसालेदार क्वेश्चन आया है अभिषेक त्रिपाठी भाई की तरफ से। अभिषेक त्रिपाठी भाई पूछते हैं, ड्यू यू एवर डन ए मिस्टेक ऑफ स्मोकिंग सुट्टा आई मीन सिगरेट और ड्रिंकिंग एल्कोहल इन योर टीनेज बिकॉज इट इज सो कॉमन नाउ अडेज एवरीवन फॉल फॉर दिस। पहले दारू पे चलते हैं, दारू नहीं पिया मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं पिया, क्योंकि इस्लामिकली भी हराम है और वैसे भी मैं इतना भी कोई बिगड़ा नहीं था कि दारू पीऊँ, बहुत गलत काम किए होंगे मैंने बट दारू रू तक नहीं गया मैं। अभी आए सुट्टे की बात, सिगरेट की बात, बदकिस्मती से 4 बार पिए ली अपन ने सिगरेट मैंने 4 बार पिया, जिसमें से 3 बार मुझे वीडियो शूट करने वजह से, जो मेरा पुराना चैनल था उसमें मैं कॉमेडी स्केचेस बनाता था, 3 बार वीडियो शूट करते वक्त
उसमें से भी जब तीनों बार मारा था धुआं अंदर नहीं लिया था, एक बार गलती से मैंने ले लिया था, जैसे कुत्ते के गले में हड्डी अटक जाती है ना वैसे मेरा हाल हो गया था, धुआं अंदर चला गया था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो तीन बार मैंने पिया है, इनहेल नहीं किया था एकदम अंदर से, ऊपर ऊपर से, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, उसमें कौन कैरेक्टर मुझे प्ले करना था, उसकी वजह से मुझे पीना पड़ा सुट्टा। हालांकि मैं उस वक्त से सुट्टे को जो है गलत समझता था, चार बार था ना, एक वक्त जो मैंने सुट्टा पिया था वो था छोटे पे, 7 या 8 साल की जब उम्र थी, मैं अपने आसपास लोगों को देखता था सुट्टा पीते हुए, मेरे अंदर से एक क्यूरियोसिटी सी जगने लगी कि भाई ये क्या है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने खुद से कागज़ लिया, उसको रोल किया, उसमें तंबाकू निकाल के डाला, टेप से बांधा, उसको मारा वो जब मैंने उसको जलाया, टेप उसका जला, कागज़ जला, उसके से इतना गंदा वाला धुआं मेरे अंदर गया, मैं उसी वक्त डिसाइड कर लिया ना 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 तौबा तौबा ये गलत चीज़ है। तो चार बार मैंने सिगरेट ना पीकर समझ लो पिया है, वो पुराने चैनल के लिए वीडियो थी, इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी भी नहीं, उस वक्त मेरे कॉमेडी स्केचेस चलते थे पुराने चैनल पे। अंजर अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, विच ट्रांसलेशन ऑफ कुरान यू आर रीडिंग? भाई मैं शायद हिलाली खान का ट्रांसलेशन है, अगर मेरी फेवरेट की बात करें तो मुझे अब्दुल्ला यूसुफ अली, मेरमेडुक पेक्तौल और सही इंटरनेशनल, ये तीनों के ट्रांसलेशन ज़्यादा पसंद है। एंड प्लीज़ डू मोर दावा वीडियोज़, इंशाल्लाह आई विल डू वन वीडियो ऑन हाउ यू रोड द फुट नोट्स ऑन द कुरान। क्लियर समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, मैं अगली बार जब Q&A बनाऊंगा इन फ्यूचर तो उस पर जवाब दे दूंगा, मगर मुझे एक फुट नोट्स वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सॉरी। डू यू नो यूथ क्लब अली ई फ्रॉम पाकिस्तान? मैं यूथ क्लब वालों की वीडियोज़ देखा हुआ, 3-4 वीडियोज़, वो अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, वो कोई भी मतलब रिलीजियस बैकग्राउंड का हो, वो सबके लिए बेनिफिशियल वीडियोस बनाते हैं, वो अच्छी बात है। तो कंटिन्यूसली नहीं देखता हूँ मगर देखा हुआ मैंने उनके काम, एक अली ई नाम के हैं, वो उनका व्लॉगिंग चैनल भी है, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी, 4-5 व्लॉग्स मैंने देखे होंगे। सबसे अच्छा उनका जो पॉडकास्ट मुझे लगा था यूथ क्लब का वो था साहिल अदीम के साथ, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में बात करते थे जिसमें वो। सैयद अम्मान हसन, AMU में डिबेट या म्यूजिक क्लब कैसे ज्वाइन करूँ? मतलब कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी कर सकते हैं, कोई ऑडिशन वगैरह देनी होती है क्या? मैं इसी साल BA में एडमिशन लिया हूँ और मुझे डिबेट एंड फ्यूजन म्यूजिक क्लब ज्वाइन करनी है। तो भाई हाँ, इसके लिए ऑडिशन होता है बाकायदा, ऑडिशन होने के बाद फिर आपका पूरा इंटरव्यू होता है बाकायदा, वो इंटरव्यू आप क्रॉस कर लेंगे, फिर एक लिस्ट आती है, उसमें लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन होगा, फिर एक महीने तक, जैसे मैं ड्रामा क्लब में था AMU के, मैं एक साल तक वहाँ पे मेंबर था, तो उसमें एक लिस्ट आती है, मतलब एक महीने तक आप काम करोगे, काम पसंद आएगा तो उसके बाद मेंबर बन जाओगे। तो मेरा तो ये था, फ्यूजन म्यूजिक क्लब का भी शायद लगभग यही होगा, और मेरे हिसाब से आप फ्यूजन म्यूजिक क्लब छोड़ के डिबेट क्लब ज्वाइन कर लो, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बट आपके ऊपर है। मैं म्यूजिक क्लब को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपके आखिरत में काम आने वाली चीज़ नहीं है। मोहम्मद अलमान खान पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम फैला। वालेकुम अस्सलाम फैला फैला। माई क्वेश्चन आर टू यू माई ब्रदर। ओके ब्रदर, विच स्ट्रीम वॉज चोजन बाई यू आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड? PCM, मैंने 12th में PCM लिया था। सेकंडली, आई वुड लाइक टू नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर लाइफ एंड यू थॉट ऑफ द आखिरा, डूइंग सम गुड डीड्स फॉर योर बेटरमेंट, डूइंग वॉट द ऑलमाइटी हैज ऑर्डर्ड अस। तो ये वही 2 साल पहले की बात है, जब मैं 19 साल का था, 19 साल, उस वक्त मुझे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, सर्टेन इंसिडेंट्स, जिसकी वजह से मैं इस तरफ लौट आया। जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ के मैं पीछे भाग रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, लॉजिकल चीज़ें नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे वो खत्म हो जाएंगी, मैं मर के जाऊंगा कब्र में, वो मेरे साथ आएंगे नहीं, तो उसको मैंने छोड़ दिया। फिर डू यू लिव अलोन एंड डू यू नो समथिंग अबाउट जिला गोंडा? अरे भाई गोंडा जानते हैं यार अपने, कितना 200-250 किलोमीटर के रेंज में ही है। भाई आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? थियोलॉजिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स मुझे ज़्यादा पसंद है, उनके बारे में पढ़ना, अपने इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ना या सनातन धर्म की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना और क्या बोलते हैं क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। मैं रिलीजन्स की कंपैरेटिव स्टडी करता रहता हूँ, सब रिलीजन्स की अच्छाइयाँ देखकर उनके बारे में बात करना ही फेवरेट फील्ड ऑफ स्टडी है मेरा। इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर, इन दोनों में से? इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स फिजिक्स या केमिस्ट्री, इन तीनों में से? अरे भाई यह बड़ा खतरनाक सवाल है, इन तीनों को फेंक कर मारोगे मैं शहीद हो जाऊँगा। तो बस यहीं पर मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए, अगर कोई 2-4 क्वेश्चन इधर उधर बच गए होंगे या कुछ होगा, कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल दूंगा, उस पर आप जाके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट वाले उठाए हैं क्वेश्चंस, उसके अलावा नहीं उठाए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में आते हैं, मैं सारे नहीं एक साथ उठा सकता। तो ये इतने 25 या 23 क्वेश्चन थे, वो मैंने कवर कर दिए सारे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, आप मेरे वॉच टाइम बढ़वाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लंबी जर्नी करनी है इंशाल्लाह, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।